Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to do MCQs from the chapter Banking for class 10th ICSE. If Shah Rukh opened a recurring deposit account in a bank and deposited 800 rupees per month for 1.5 years, then the total money deposited in the account is. Shah Rukh ne ek recurring deposit account open kiya hai. इस अकाउंट में हर मंथ कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हर मंथ के एंड में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया जाता है। जैसे कि वो 800 हर मंथ डिपॉजिट करवा रहा है, कितने टाइम के लिए? 1.5 ईयर्स के लिए। देन द टोटल मनी डिपॉजिट इन द अकाउंट, टोटल मनी कितनी डिपॉजिट होगी अकाउंट में। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है, जस्ट हमें इतना बताना है कि अगर वो हर मंथ 800 रुपीज़ डिपॉजिट करवा रहा है तो 1.5 ईयर में उसके पास कितना अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 1.5 ईयर में कितने मंथ होते हैं। एक ईयर में 12 मंथ होते हैं एंड हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं। 12 + 6 = 18 मंथ्स। इसका मतलब उसने 800 रुपीज़ 18 मंथ्स डिपॉजिट करवाए हैं लगातार। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? टोटल मंथ्स कितने हैं? 18 एंड हर मंथ 800 डिपॉजिट करवा रहा है, तो 18 के साथ 800 को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, राइट? ये जीरोस एज इट इज, 8 × 8 = 64, 6 × 8 = 8, 8 + 6 = 14। तो इसका मतलब टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा उसके पास? 14,400। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, 14,400। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिसेस आशा मेहता डिपॉजिटेड 250 रुपीज पर मंथ फॉर 1 ईयर इन अ बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, देन द इंटरेस्ट अर्नड बाय हर ऑन दिस अकाउंट इज। अब देखो, मिसेज आशा मेहता ने 250 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं हर मंथ एक साल के लिए। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ। उसने लगातार 250 हर मंथ डिपॉजिट करवाए होंगे एंड इस पे इंटरेस्ट भी लगा है 8%। एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? इंटरेस्ट अर्नड बाय हर ऑन दिस अकाउंट। अब रिकरिंग अकाउंट के लिए अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो हर मंथ डिपॉजिट करवाया जाता है (n×n+1). एन क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 2×12×r क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अब यहाँ पर उसने 250 रुपीस डिपॉजिट करवाए हैं हर मंथ, 1 ईयर के लिए करवाए हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 12। यहाँ पर 12+1 अपॉन 2×12×, रेट कितना है? 8%, तो 8/100। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2×1 = 2, 2×4 = 8, 10 कट जाएगा, ये 5×2 = 10 एंड 5×5 = 25, 2×1 = 2, 2×2 = 4। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 5×, यहाँ पर 12+1 = 13×, ये 2 बचा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैंने दो बार मल्टीप्लाई डाल दिया, 5×2 = 10, 10×13 क्या बना जाए हमारे पास? 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 रुपीज़। तो इसका मतलब इतना इंटरेस्ट उसे मिला एक साल में। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मिसेस शर्मा डिपॉजिटेड 500 रुपीज़ एवरी मंथ इन अ कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट दोनों सेम ही होते हैं, बस इनके नाम में फर्क है। For 2 years, if the bank pays interest at the rate of 7% per annum, then the amount he gets on maturities. अब यहाँ पर पहले हम interest calculate करेंगे, then पूरे 2 साल में जितना उसने amount deposit करवाया है उसमें interest को add करेंगे, तभी हमारे पास maturity value आएगी। तो इस question में सबसे पहले हमें interest ही calculate करना है। हर मंथ 500 रुपीज डिपॉजिट करवाए जा रहे हैं 2 ईयर्स के लिए 7% इंटरेस्ट पे। तो चलिए यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल 500, नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे? 2 साल है तो 2 साल के लिए 24 मंथ्स,
24 प्लस 1 इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं अपॉन 2 इंटू 12, यहाँ पर रेट कितना है 7%, तो 7/100। जीरोस से जीरोस कैंसिल, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 5 इंटू 24 प्लस 1 25 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 ज़ा 125 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 1 8, 875 रुपीज़ इंटरेस्ट है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी? मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस, ये होता है कि जितना भी टाइम पीरियड है, ठीक है, यहाँ पर 2 साल है, तो 2 साल के लिए कितना अमाउंट उसने डिपॉजिट करवाया प्लस उस पर जो इंटरेस्ट ऐड हुआ, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 500। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 24, 2 साल के लिए 875। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, साथ में ये जो 2 ज़ीरोज एज इट इज़ आएंगी 875, इसको ऐड अप कर देते हैं, 12,875 रुपीज़। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू है जो उसको आफ्टर 2 ईयर्स मिलने वाली है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? 12,875, डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। तो ML अग्रवाल की बुक में यही 3 MCQs थे फ्रॉम द चैप्टर बैंकिंग। अगर इस चैप्टर में से और भी ऐसे MCQs हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली अपलोड द सॉल्यूशन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।